अस्सलाम वालेकुम कनेक्टर रियल इस्टेट के प्लेटफॉर्म से, मेरा नाम है काजिम रज़ा। सबसे पहले इंतहाई माजरत के तकरीबन 12 14 15 दिन का वक्फ़ा रहा मेरी वीडियो में कुछ मसरूफियात की वजह से, और हालांकि कंटिन्यूसली जितनी भी पॉजिटिव न्यूज़ आ रही थी मार्केट में उसके अंदर काफ़ी ज़्यादा चेंजिंग्स आई थी और वो बताना आपको ज़रूरी था, लेकिन वक्त नहीं मिल सका। वीडियो के शुरू में कहता चलूँ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल के बटन को ज़रूर दबाएं ताकि देर सही पर दुरुस्त इंफॉर्मेशन आप लोगों को तक ऑन टाइम पहुँचती रहे। देखें, ओवरऑल मार्केट के सिनेरियो को डिस्कस करता चलूँ तो मार्केट में बहुत ज़्यादा लोगों में एक कन्फ्यूजन टाइप की पाई जाती है कि मार्केट ने किस तरफ जाना है, क्योंकि बहुत से लोगों के देखें ओवरऑल पूरी रियल इस्टेट इंडस्ट्री जो है मोस्ट ऑफ द टाइम किसी भी जगह पे आप जाएंगे तो बयानों के ऊपर, टोकन के ऊपर जो रियल इस्टेट एजेंट अपने कर रहे होते हैं, इन्वेस्टर्स के बेस के ऊपर चल रही होती है, लेकिन उन सब के अंदर इस वक्त एक ऐसी फीलिंग पाई जाती है कि मार्केट के साथ होना क्या है, क्योंकि जिन जिन लोगों के पास अपनी इन्वेस्टमेंट्स पड़ी नहीं है या जिन जिन लोगों ने प्लॉट बेचने का इरादा किया हुआ था, इस वक्त मार्केट में सेलिंग का फ़्लो तो ज़्यादा है, बाइंग का फ़्लो थोड़ा सा कम है। उसकी वजह से एक्सपेक्टेड है कि जो मार्केट का रेट पिछले एक हफ़्ते या डेढ़ हफ्ते से रुका हुआ है वो मज़ीद डाउनवर्ड जाएगा, बल्कि मैं अगर आपको ये कहता चलूँ कि वो डाउनवर्ड आ चुका, यानी कि 4-4 लाख रुपया जो बढ़ा था वो 4-4 लाख रुपये वापस आ गया, तो वो गलत नहीं होगा। प्रीसेंट 4 के ऊपर बहुत ज़्यादा ज़ोर था, आज भी है, बिल्डर आज भी इंटरेस्टेड है कि हमें दे दो, लेकिन मोस्ट इंपॉर्टेंटली जो कि अली ब्लॉक था, अली ब्लॉक के अंदर कभी भी मैंने इतना पैनिक नहीं देखा या इतनी परेशानी नहीं देखी कि लोग परेशान हों अपनी चीज़ें बेचने के लिए और वो इस वक्त चीज़ें बिक नहीं रही हैं। तो ये कुछ चीज़ें हैं जो कि मार्केट की बिहेवियर को अंडरस्टैंड करने के लिए ज़रूरी है, लेकिन इन सब में मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ मैं आपको समझाता चलूँ, प्रीसेंट 6, 8, 4 ये वो 3 प्रीसेंट्स हैं जिनके अंदर अगर बिल्डर की इंटरेस्ट वाली कोई चीज़ें थी वो तो वो नीचे नहीं गिरी, जो कि अच्छी लोकेशन के प्लॉट थे जिन्होंने 85 लाख का रेट देखा था वो 85 की जगह 82 पे खड़े हैं, बट ऐसा नहीं है कि वो 85 से वापस आके 78 पे खड़े हो गए या 76 पे खड़े हो गए। तो चीज़ें बहुत अच्छी चल रही हैं, जो कि अच्छे प्लॉट हैं वो अच्छी जगह पे खड़े हैं। 17 हमेशा की तरह ना उठा ना गिरा, और अगर बात करते चलें हम लोग प्रीसेंट बैरिया हिल्स की, बैरिया हिल्स में हमें थोड़ी सी सेलिंग ज़्यादा महसूस हुई, जस्ट गिव मी अ सेकंड, बैरिया हिल्स में हमें थोड़ी सी सेलिंग ज़्यादा महसूस हुई और रेट ओवरऑल इतना अच्छा नहीं है। कायद विला सॉरी कायद विला 1,85,00,000 रुपये या 1,75,00,000 रुपये में कोविड में ट्रेड हुआ, अभी 1,95,00,000 का मार्केट में सेलर है लेकिन बायर नहीं आता। ओवरऑल अगर मैं एक सीक्वेंस में आपको चीज़ें समझाना शुरू करूं, जो कि शुरू में मैंने बताई कि मार्केट की काम की चाल कैसी है, अब मैं थोड़ा सा आपको मार्केट की ज़ीरो से शुरू करना शुरू करूँ कि क्या तरीक़ेकार है, क्या रेट्स हैं। तो प्रीसेंट 1 ओवरऑल अभी मार्केट में 5, 8, 10, 12 प्लॉट की अवेलेबिलिटीज़ आ गई है, जिसकी और ये बहुत ज़्यादा अवेलेबिलिटी होती है प्रीसेंट 1 के लिए, जिसकी वजह से ये है कि मार्केट थोड़ा सा नीचे है। हमें चीज़ अवेलेबल तकरीबन 1,10,00,000 रुपये से लेके 1,15,20,00,000 रुपये में हो जाती है, बहुत आउट ऑफ द बॉक्स जाके प्लॉट है तो वो 1,35,40,00,000 रुपये की चीज़ है। इसी तरीके से अगर बात करते चलें प्रीसेंट 2 के कायद विला और इकबाल विले की, कायद विला इस वक्त 195, इकबाल विला 150, 1,50,00,000 रुपये का रेट है, और अगर बात करता चलूँ प्रीसेंट 3 की 5.25 करोड़ का रेट है, 2,000 गज़ है। प्रीसेंट 4 की बात करता चलूँ तो 1,10,00,000 से लेके 1,50,00,000 रुपये का रेट है। वाईफाई पट्टी 1,45,00,000, 1,55,00,000 की ब्रैकेट में हमें अवेलेबल हो जाती है। इसी तरीके से बात करते चलें हम लोग अगर प्रीसेंट 6, 8, 4, 6 की बात करता चलूँ तो 6 में इस वक्त अवेलेबिलिटी हमारे पास 58-57 लाख में, लेकिन जो अच्छा प्लॉट है, जो भी अच्छा प्लॉट है वो 75 से 85 लाख की ब्रैकेट में है, जो कि बिल्डर का प्लॉट कंसीडर होता है जहाँ पे अभी घर बनना ज़्यादा शुरू हो गए। सेम रेट हैं प्रीसेंट 8 के लिए, जितनी भी ऊपर की पट्टियाँ, हाइट वाली पट्टियाँ हैं, अगर तो कॉर्नर की कैटेगरी है तो वहाँ पे तो रिसेंटली जो हमारे पास अभी ऑफ़र आई है उसकी 89 लाख की भी एक कॉर्नर की ऑफ़र आई है, तो अच्छे प्लॉट की अच्छी ऑफ़र है, बुरे प्लॉट की बुरी ऑफ़र है, लेकिन मसला ये कि बुरा प्लॉट बिक नहीं रहा। इसके साथ साथ बात करते चले हम लोग प्रीसेंट 10A के विला की, पूरी मार्केट एक तरफ, प्रीसेंट 10A का विला एक तरफ है, वो नहीं टूटने का नाम ले रहा, वो
जो 1 करोड़ 18 लाख रुपए से उठना शुरू हुआ है तो आज 1 करोड़ 42 1 करोड़ 45 लाख पे खड़ा है और खड़ा है, गिरने का नाम नहीं ले रहा, गाक आता है। आप अभी भी अगर बेचने के लिए आएंगे तो बिक जाता है। सेम 11A का रेट थोड़ा सा 10 लाख रुपए नीचे, 1 करोड़ 35 लाख से 1 करोड़ 40 लाख रुपए का रेट है। अगर बात करते चलें 11A के बाद हम लोग 11B 1 करोड़ 5 लाख 1 करोड़ 10 लाख की चीज़ है। 27% के विला थोड़े बेहतर है, बेहतर इस सेंस में है कि वहाँ पे लोगों का इंटरेस्ट बन रहा है, जब से पोजेशन आया तो ज़ाहरी बात है लोगों का इंटरेस्ट बन रहा है घर बनाने के लिए, घरों में शिफ्ट होने के लिए, और रेंटल पार्टियाँ भी काफ़ी आ रही हैं वहाँ पे। तो 27 के जो विलाज हैं, 27 के विला ऑन एवरेज अभी रेट चल रहा है वहाँ पे तकरीबन 1 करोड़ 20 1 करोड़ 25 लाख रुपए का, चाबी के साथ विदाउट की आपको 1 करोड़ और 1 करोड़ 5 लाख में अवेलेबल हो जाता है। इसके साथ साथ बात करता चलूँ मैं, हम लोग 10A पे और 11A पे खड़े थे। 11B और 10B की जो प्लॉट्स हैं उनका रेट 22 से 28 लाख रुपए है। अली ब्लॉक की बात करते चलें तो अली ब्लॉक का रेट आप लोगों के सामने तकरीबन 32 लाख रुपए से लेके 45 लाख रुपए का रेट है। लेकिन इस वक्त अली ब्लॉक के रेट्स मैं पर्सनली समझता हूँ, जो प्लॉट हमें 45 का मिलता था आज हमें वो 40-42 लाख में अवेलेबल है। अगर किसी ने 125 गज़ में लेना है, घर बनाने के लिए बिल्डर हैं या अपने जेन्युइन कस्टमर हैं तो वो अली ब्लॉक में लें, वहाँ पे लेना मुनासिब है। इसके साथ साथ अली ब्लॉक के बाद प्रेसेंट 16 बता दूँ, थोड़ा सा बजटेड है प्रेसेंट 16। प्रेसेंट 16 की एक प्रॉपर वीडियो भी दे चुका हूँ लोकेशन के हिसाब से। प्रेसेंट 16 के अंदर अभी प्लॉट की अवेलेबिलिटी 50 लाख में मुश्किल होती है, लेकिन कोशिश की जा सकती है। 50 से लेके तकरीबन 65 लाख रुपये का रेट है, और लेकिन 50 में मिलता नहीं है, आप जहन में रखें तकरीबन 52-53 लाख की चीज़ है। और साथ ही बताता चलूँ अली ब्लॉक के साथ साथ 16 हो गया, 17 हो गया, 17 में 85 लाख रुपए का 17% का रेट है। ये थोड़ा सा इसको मैं मज़ीद डिटेल करूँगा, आई एम रियली सॉरी, बड़ी ही बेतुकी सी, यानी कि 16 से 17 आ गया, 17 से 27 आ गया। आई एम रियली सॉरी फॉर दैट कि मैंने बड़ा अनसर्टेन वे में आप लोगों को रेट की नोहाउ दी है, लेकिन इंशाल्लाह वादा रहा कि कल आने वाली वीडियो में आपको प्रेसेंट 1 से शुरू करूँगा, प्रेसेंट 33 तक लेके जाऊँगा, एक प्रेसेंट की प्रॉपर ब्रीफिंग दूँगा इंशाल्लाह, और उसमें आप लोगों को एक डिटेल में ऑफिस में बैठ के बनाऊँगा। बहुत जल्दी में नहीं हूँगा बनाते हुए इंशाल्लाह, वो जब पूरा आपको मार्केट का ट्रेंड बता दूँगा। और एक बहुत अच्छी न्यूज़ आ रही है मार्केट में, उस न्यूज़ की वजह से एक्सपेक्टेड है कि बहरिया टाउन कराची में थोड़ी सी पॉजिटिविटी आ सकती है कि पेशावर आ रहा है। अच्छा, सब सोच रहे होंगे कि पेशावर आ रहा है तो भाई कराची के अंदर क्या है। देखें, जब भी बहरिया टाउन कोई भी नया प्रोजेक्ट लॉन्च करने की तरफ जा रहा होता है तो अपने पिछले प्रोजेक्ट को तेज़ करता है, वहाँ पर पैसा डलता है, वहाँ पर रेट इम्प्रूव होते हैं, और फिर उसी के साथ साथ अगला प्रोजेक्ट लॉन्च कर देता है और वो पूरा एक काम की चाल और काम की तरतीब बन जाती है। तो आने वाले वक्त में कल मैं इंशाल्लाह पेशावर की भी आप लोगों को एक पूरी ब्रीफिंग दे दूंगा कि क्या तरीक़ेकार है, किस तरह से है, और कब तक एक्सपेक्टेड है, और आ भी सकता है कि नहीं आ सकता, और उसका हमारी मार्केट बहरिया टाउन कराची की मार्केट पे क्या इम्पैक्ट आ सकता है। तो स्टे ट्यून्ड, इंशाल्लाह कल मुलाकात होती है इस वीडियो के बाद, बिल्कुल अगले दिन इंशाल्लाह वीडियो दूंगा आपको। आखिर में मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल के बटन को ज़रूर दबाएँ। फिर कहूँगा माजरत, बहुत बेतुके हिसाब से मैंने अपने हिसाब से जो जेब में प्रेजेंट आ रहा था उनका रेट देता रहा, लेकिन इंशाल्लाह कल आने वाली वीडियो में इन डिटेल आपको दूंगा। थैंक यू वेरी मच, अल्लाह हाफिज़।